अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नोहर पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। बता दें कि थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा के पदभार ग्रहण करने के बाद से यह अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने 1 किलो 750 ग्राम गांजा समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसी दौरान थाना अधिकारी ईश्वरानंद ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान नोहर के भद्रकाली मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस बरामदगी के आधार पर पुलिस ने रावतसर के सरदारपुरा निवासी गणेश कुमार मेघवाल को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। कल नोहर के अंदर भद्रकाली रोड पर दिन में हमने गणेश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिसके पास 1 किलो 750 ग्राम गांजा था। उसको हमने मोटरसाइकिल सहित काबू किया था और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। वो तो कहां से लाया है, आगे कहां सप्लाई कर रहा था, इस बात भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। मादक पदार्थों के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता भी है कि जो जो मादक पदार्थ बेचते हैं उन पर लगाम लगाएं, उन पर नियंत्रण रखें। तो इस कड़ी में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसी कड़ी में हमारी ये कार्रवाई है और आगे भी कार्रवाई हमारी जारी रहेगी।